राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने कांकेर के शासकीय मेडिकल कॉलेज को MBBS की 100 सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। इस मेडिकल कॉलेज को पिछले वर्ष ही मान्यता मिली थी। कांकेर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर MM गर्ग ने बताया कि हमारे यहाँ सभी विभाग और छात्रावास तैयार हैं। इस साल से छात्रों का प्रवेश शुरू हो जाएगा। जी, शासन का और मान्यता देने के लिए नेशनल मेडिकल बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने पूरी कोशिश करी और यहाँ पर हमारे पास में जो फैकल्टी और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको हमने भेजा, उन्होंने उनको उनके काइंड कंसीडरेशन हमको मिला और उससे ये हमको अप्रूवल मिला है 100 सीट का। कक्षाएँ प्रारंभ कर देंगे जैसे ही हमको एडमिशन मिलते हैं 100 बच्चों के। हमारे पास में उनके रहने के लिए हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, और हमारे पास में जो हॉस्पिटल हैं उसमें सब गायनी की सुविधा है, सर्जरी की सुविधा है, आँखों के इलाज की सुविधा है, ICU की सुविधा है, और जितना भी बच्चों के लिए क्लिनिकल मटेरियल आवश्यकता, हालांकि पहले साल में अस्पताल की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों को, वो चीज बीच में हमारे पास एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी बच्चों के लिए व्यवस्था कर ली गई है हमने। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने कांकेर, कोरबा और महासमुंद में नए बने मेडिकल कॉलेजेस में MBBS की 100-100 सीटों पर प्रवेश के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अनुमति मांगी थी। विभिन्न मानकों पर परखने के बाद आयोग ने केवल कांकेर मेडिकल कॉलेज को ही प्रवेश की अनुमति दी है।